इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। कुंडली भाग्य के सभी दर्शकों के लिए बहुत बुरी खबर है। बताते चले कि कुंडली भाग्य सीरियल की इस एक्ट्रेस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने का लगा है आरोप। हम आपको बताते चले कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को आमतौर पे सेक्स रैकेट भी बोला जाता है। कुछ समय पहले ही यह जानकारी सामने आई है कि एक नामी कास्टिंग डायरेक्टर और एक्ट्रेस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हसीना पर इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने का आरोप लगा है। तो चलिए खबर में आगे, आप लोगों को बताते हैं आखिर उस एक्ट्रेस का नाम क्या है और डायरेक्टर का नाम क्या है जो दोनों मिलकर इस तरह का घिनौना काम कर रहे थे। उससे पहले छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेट न्यूज के लिए वर्ल्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए खबरों का रुख करेंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सामने से देखने में काफी शाइनी और खूबसूरत लगती है, लेकिन इसका भी एक डार्क साइड है। एक ऐसा घिनौना हिस्सा जिससे लोग दूर रहना चाहते हैं, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। कुछ समय पहले ही यह जानकारी सामने आई है कि एक नामी कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर को हाल ही में अरेस्ट किया गया है और वजह बेहद गंभीर है। मुंबई क्राइम ब्रांच के हिसाब से यह हसीना इंडस्ट्री में चलने वाले एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में इन्वॉल्व रही है। इस एक्ट्रेस ने पॉपुलर टीवी सीरियल कुंडली भाग में भी अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं कि यह हसीना कौन है और मामला क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जो एक कास्टिंग डायरेक्टर भी है, बता दें कि जिस एक्ट्रेस कास्टिंग डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया है उनका नाम आरती मित्तल है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने मुंबई में एक सेक्स रैकेट को बस्ट किया है और उनके मुताबिक ये सेक्स रैकेट आरती मित्तल द्वारा चलाया जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरती को अरेस्ट किया जा चुका है और उनके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। क्राइम ब्रांच ने दो मॉडल्स को गोरेगांव से रेस्क्यू भी किया है और उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया है। पुलिस की मॉडल से यह भी पता चला है कि आरती ने उन्हें 15,000 रुपए देने का भी वादा किया था। क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगों को ग्राहक बनाकर होटल भेजा और इस तरह इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। फिल्म इंडस्ट्री स्क्रीन पर जितना साफ सुथरा दिखाई देती है उतना एक्चुअली में नहीं होता है, तो ऐसे एक्ट्रेस को बॉयकट होना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज की खबर बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन।